देखिए, रिश्ते जोड़ना और तोड़ना जितना आसान होता है ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है रिश्तों को संजोकर रखना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जिंदगी का फलसफा है। मेहनत लगती है रिश्तों को पाल पोस कर आगे बढ़ाने में। और कुछ यही समझाने की कोशिश कर रही है फैमिली कोर्ट की जज लक्ष्मी और ऋषि को। आप सुनेंगी ना, आपकी हिल जाएगी। लक्ष्मी, तुम खुद बोलोगी या मजबूरन हमें ही बोलना पड़ेगा? लड़की प्रेग्नेंट है और हमारे बेटे ऋषि से नहीं, ड्राइवर का बच्चा है, हमारे बेटे का नहीं। लक्ष्मी के पेट में एक ड्राइवर का बच्चा है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भी लक्ष्मी की सासू माँ तो जज साहिबा के सामने कुछ ऐसा ही बोल रही है। कैसे बोली? ड्राइवर का बच्चा है, हमारे बेटे का नहीं। आप सोचिए, ड्राइवर के बच्चे को ओवरऑल का नाम देना चाहती थी पर नहीं है, एक ड्राइवर का बच्चा। ऋषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसकी माँ लक्ष्मी के बारे में ऐसी बातें कर रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर ऋषि ये जानता है कि लक्ष्मी जरूर कोई बात छुपा रही है। तभी तो बार बार वो जज साहिबा को ये कह रहा है कि आप पूछिए ना, आप पूछिए ना। अब लक्ष्मी के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो किस किस को बोले, किस किस को क्या समझाए। अगर लक्ष्मी कुछ भी बोलेगी तो आहाना का रिश्ता टूट सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए तो वो चुप है। लेकिन लक्ष्मी, हमारी एक बात मानिए, हमेशा चुप रहना ना ये अच्छा नहीं होता है। कम से कम तुम ऋषि को तो अकेले में ये बात बता सकती हो ना। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो इससे तुम्हारी तकलीफ भी कम होगी और ऋषि तुम्हारी मदद कर पाएगा। 24 घंटे जो कहना है, जो सुनना है, सब बोल जाना चाहिए। वैसे पर्दे के पीछे ऋषि की खूब खिंचाई हो रही थी इस सीन को लेकर। अब देखिए ना कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। बेटा मत रो, जाने दो, डिवोर्स डिवोर्स भी होगा। जावे जावे ऐसे मिलेगी भाई, छोड़ दे यार। ऐसे कमेंट्स को सुनकर सभी हंस भी रहे थे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।